नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पवई दयोदय महासंघ एवं पशु संरक्षण बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर के गौ सेवा क्षेत्र में गौशाला संचालकों एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में कर रहे गौ सेवकों को सम्मानित किया। इसी कड़ी में पिछले 15 वर्षों से पवई के गौ सदन में संचालित विद्यासागर गौ सेवा केंद्र अध्यक्ष ज्ञानचंद्र जैन को उत्कृष्ट गौ संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश्वर आनंद द्वारा 20,000 रुपये का चेक भी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष को सौंपा गया। विद्यासागर गौ सेवा केंद्र में 4,000 से ज्यादा गौवंश मौजूद है। गौ रक्षा संवर्धन समिति पवई 2003 से संचालित है। यह गौशाला आचार्य श्री के आशीर्वाद से चल रही है। श्री विद्यासागर गुरुदेव के आशीर्वाद एवं उनकी प्रेरणा से गौशाला का संचालन किया जा रहा है। गौशाला में करीब 4,000 से 5,000 गौवंश निवास कर रहता है। यह कार्य मुझे 2010 से सौंपा गया है। 2010 से मैं गौशाला की सेवा में लगा हुआ हूँ। गौशाला का कार्य बड़े रखरखाव के हिसाब से देखना पड़ रहा है। इसी खुशी में माननीय प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुझे बुलावा हुआ कि तारीख 20 को जबलपुर दयोदय गौशाला पहुँचना है। तिलवारा घाट में आचार्य श्री विद्यासागर गुरुदेव विराजमान हैं, उनके सानिध्य में शरद पूर्णिमा के उपलक्ष में। खबर समय जगत के लिए पवई से सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।